गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर, आज आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और साथ में आज आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि आपको जो रेगुलर जो अपडेट्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल से आपको प्राप्त होती रहें। चलिए बिना देर किए हुए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वहाँ से लेते हुए चलेंगे हम। मेंडेलियन फैक्टर, या हम उसको क्या कह सकते हैं, जीन। जीन क्या है? इट इज़ द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मतलब ये सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, मतलब ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या है बच्चों, ट्रांसफ़र होती है। जीन्स किसके बने हुए होते हैं? डीएनए के बने हुए होते हैं। जीन इज कंसिडर्ड एज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसमें सेकेंड, एलील्स, या हम उसको बोल सकते हैं एलिलोमॉर्फ्स। टू मेंडेलियन फैक्टर्स, इट मीन्स द टू जीन विच अकर ऑन द सेम लोकी इन द होमोलोगस क्रोमोजोम्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कंट्रोल ए करैक्टर आर कॉल्ड एलील्स, या हम उसको कह सकते हैं एलिलोमॉर्फ्स। मतलब दो मेंडेलियन फैक्टर जो कि क्रोमोजोम्स, होमोलोगस क्रोमोजोम के सेम लोकस के अंदर क्या है, प्रेजेंट होते हैं और ये करैक्टर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का क्या करते हैं, काम करते हैं, उन्हीं को हम एलील्स कहते हैं। जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कंसिडर्ड एलील्स ऑफ जीन फॉर प्लांट हाइट। अगर हम प्लांट हाइट की बात करते हैं तो पर्टिकुलर जो एलील्स हैं वो क्या कहेंगे हम, कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। चलिए डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट। उसमें नेक्स्ट आती है बच्चों यहाँ पर होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स एंड द हिट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है तो आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हैं? एन ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स आइडेंटिकल एलील्स ऑफ ए करैक्टर ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम इज सेड टू बी द होमोजाइगस, या हम उसको कहते हैं जेनेटिकली प्योर फॉर दैट करैक्टर। इट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म जिसके जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं उनके अंदर जो एलील्स हैं वो क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे, या क्या कह सकते हैं हम उसको, जेनेटिकली प्योर कह सकते हैं, या हम प्योर ब्रीड के नाम से भी हम क्या करते हैं इसको जानते हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म में लेकर देखते हैं। चलो, पी प्लांट्स विद कैपिटल टी कैपिटल टी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, पी प्लांट विद कैपिटल टी या फिर आपको दो स्मॉल टी नज़र आ रहे हैं। दीज आर द एलील्स आर होमोजाइगस फॉर हाइट। मतलब प्लांट की जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये एक प्योर ब्रीड है। टॉल है तो कैपिटल टी है, दो बार है, और स्मॉल है तो क्या है, स्मॉल टी। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पर हिट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हिट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स? एन ऑर्गेनिज्म विच कंटेन टू डिफरेंट एलील्स फॉर ए करैक्टर ऑन इट्स होमोलोगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड हिट्रोजाइगस, या फिर हम उसको हाइब्रिड के नाम से जानेंगे। मतलब एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दो डिफरेंट क्या हैं, एलील्स हैं, जीन्स प्रेजेंट हैं फॉर ए करैक्टर, और वो भी किसमें, होमोलोगस क्रोमोजोम के अंदर, तो उसको हम हिट्रोजाइगस कहेंगे या फिर हाइब्रिड के नाम से जानेंगे। जैसे एक पी प्लांट है उसमें दो एलील्स आपको नजर आएंगे, एक तो कैपिटल टी और एक क्या है, स्मॉल टी, तो इट मींस दैट इज हिट्रोजाइगस फॉर हाइट। कैपिटल टी किसको शो करता है, टॉल प्लांट को, और स्मॉल टी किसको शो करेगा बच्चों, ड्वार्फ प्लांट को शो करेगा। अब नेक्स्ट हमारी बारी आती है मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट की। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूछते रहते हैं कि सर ये जो मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था ये कितने सालों में इन्होंने पूरा किया। लगभग 8 साल की इनकी जो तपस्या थी वो कामयाब हुई थी। 8 साल में इन्होंने पूरे पी प्लांट को स्टडी कर लिया था। इन्होंने 7 करैक्टर्स बता दिए थे, 7 वेरिएशंस बता दिए थे। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ पर कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया था। ही कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन विच ही क्रॉस द पॉलिनेटेड प्लांट्स टू स्टडी 1 करैक्टर एट ए टाइम। मतलब उसने अपने एक्सपेरिमेंटल सीरीज़ के अंदर क्या किया, जो पॉलिनेटेड प्लांट को इन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया, लेकिन एक समय में एक ही करैक्टर को क्या कराया, इन्होंने क्रॉस कराया। तो ये बहुत ही मेन बात थी मेंडल की। तो उसमें ही
मैं आपको बताता हुआ चलूँ। पहला एक्सपेरिमेंट मेंडल का, जिसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? द क्रॉस बिटवीन पी प्लांट्स विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स, क्रॉस बिटवीन ए टॉल एंड ए ड्वार्फ प्लांट। मतलब कि एक ही वेराइटी के प्लांट हैं, लेकिन कुछ छोटे हैं और कुछ क्या है, बड़े हैं। उन्हीं के बीच में क्या कराया मेंडल ने? क्रॉस कराया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेंडल ने जब क्रॉस कराया था तो उसने प्योर ब्रीड ली थी। प्योर ब्रीड मतलब कंप्लीट टॉल या फिर कंप्लीट ड्वार्फ, उनके बीच में क्रॉस कराया। तो क्या हुआ वो चीज़ें अब हम डिस्कस करें। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। प्लांट पेरेंट लिए उन्होंने, कौन कौन से पेरेंट लिए? टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। किसकी बात कर रहे हैं हम? पी प्लांट की। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सैटिवम। टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट लेने के बाद उनके करेक्टर के आधार पर उन्होंने क्या किया? एलील्स बनाए। कैपिटल टी टॉल प्लांट को शो करेगा, स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट को। प्योर ब्रीड है, इसको हम होमोजाइगस ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। अब इनके क्या बनेंगे बच्चों? गैमेट्स बनेंगे। तो गैमेट्स बनेंगे तो एक कैपिटल टी यहाँ पर, एक गैमेट्स यहाँ पर बनेगा, और स्मॉल टी अलग अलग बनेंगे। पहली जनरेशन क्रॉस के दौरान क्या होगा? फर्स्ट फिलियल जनरेशन क्रॉस के दौरान क्या होगा? आप देख पा रहे होंगे सभी एक जैसी वैरायटी आपको यहाँ पर नजर आएगी, मतलब हाइब्रिड वैरायटी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हिटरोजाइगस ट्रेट आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ऑल टॉल प्लांट्स आपको यहाँ से क्या होंगे? फर्स्ट जनरेशन क्रॉस के अंदर प्राप्त होंगे। दैट इज ए प्योर, आपको यहाँ पर हाइब्रिड क्या है प्राप्त हो जाएगा। अब आपको बताता हुआ चलो, मेंडल का मेन उद्देश्य क्या था? सबसे पहले सिलेक्शन करना प्योर ब्रीड का, फिर उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराना, फिर लास्ट में हाइब्रिडाइजेशन करना। अब उन्होंने क्या किया, ये जो F1 जनरेशन जो क्रॉस प्राप्त हुई थी, इन्हीं को आपस में क्या करा दिया? सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। तो इनके जो गैमेट्स बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F2 जनरेशन क्रॉस के दौरान क्या हुआ? सेकेंड जनरेशन क्रॉस क्रॉस के दौरान होगा, फीमेल गैमेट यहाँ ऊपर है, मेल गैमेट आपको नीचे यहाँ पे साइड में नजर आएगा। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने ऊपर ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे साइड में कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये हमने यहाँ लिखा। फिर इन दोनों को जोड़ा तो क्या बना? कैपिटल टी, और फिर इसको कैपिटल टी और स्मॉल टी को जोड़ा तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से इसको ऐड किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से स्मॉल टी आपको यहाँ पर क्या है नजर आया। तो आप देख पा रहे हैं जब यहाँ पर क्रॉस हुआ तो तीन प्लांट क्या बने यहाँ पर? टॉल बने, और एक प्लांट क्या बना यहाँ पर? ड्वार्फ, छोटा बना। तो फिनोटिपिक रेशियो मैं आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ पर, फिनोटिपिक रेशियो की, तो फिनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें, इट मीन्स दैट द ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स, हम आसानी से किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर करेक्टर्स क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड द फिनोटिपिक। और ये पर्टिकुलर रेशियो क्या थी? हम टॉलनेस और ड्वार्फनेस देख पा रहे थे, तो हमने देखा तीन प्लांट टॉल थे और एक क्या था? ड्वार्फ था। तो रेशियो क्या बन गई बच्चों? 3:1। वही जीनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें, द कम्बिनेशन ऑफ जीन, द कम्बिनेशन सेट ऑफ जीन्स की देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो हमने देखा कैपिटल टी कितनी बार है? एक ही बार है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार है? दो बार है। और स्मॉल टी कितनी बार है? वन, एक बार है। तो ये रेशियो बन गए 1:2:1। कभी भी आपसे पूछा जाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जीनोटिपिक रेशियो क्या है, दैट इज द 1:2:1। नाउ लिसन केयरफुली, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ऑब्जर्वेशंस क्या क्या देखी मेंडल ने? मेंडल ने सबसे पहले ही ऑब्जर्वेशन देखी कि F1 प्रोजेनी के अंदर, जो F1 क्रॉस हुआ उसके अंदर जितनी भी प्रोजेनी थी वो सारी की सारी क्या थी? टॉल थी, बड़ी थी। और वहीं F2 प्रोजेनी की अगर हम बात करें, सेकेंड फिलियल क्रॉस के दौरान जो प्रोजेनी प्राप्त हुई वहाँ पर, वहाँ लगभग 75% क्या थे? टॉल थे। और वहीं 25% क्या थे? शॉर्ट थे। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या रही? 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। जीनोटिपिक रेशियो क्या रही? 1:2:1। ये आपको क्या है बच्चों? याद रखनी है ऑब्जर्वेशंस, आपसे पूछी जाए तो एग्जाम के अंदर आपको ये लिख कर आनी। अच्छा, अब आता है कंक्लूजन क्या हुआ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मोनो हाइब्रिड क्रॉस?
कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, द कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर टॉल प्लांट्स, दोनों के दोनों क्या हैं? टॉल प्लांट्स हैं। वहीं अगर हम देखें स्मॉल टी क्या है? शॉर्ट प्लांट, छोटे प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकेला कैपिटल टी इनफ है प्लांट को टॉल करने में, और वहीं जब शॉर्ट प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो दोनों कॉपी क्या होनी चाहिए? स्मॉल टी की प्रेजेंट होनी चाहिए प्लांट के अंदर, तभी वो प्लांट क्या होगा? छोटा होगा। करैक्टर्स, ट्रेट्स, जैसे कि कैपिटल टी क्या कहलाएगा? डोमिनेंट कहलाएगा, और वहीं स्मॉल टी क्या कहलाएगा बच्चों? रिसेसिव कहलाएगा। डोमिनेंट किसको कहते हैं हम? डोमिनेंट ट्रेट वो होते हैं जो अपने करैक्टर को क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहीं रिसेसिव ट्रेट की अगर मैं बात करता हुआ चलूँ, ये अपने करैक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब इनके दोनों जीन्स या दोनों एलील्स क्या होंगे? सेम होंगे, स्मॉल लेटर्स में होंगे, तभी क्या है? रिसेसिव ट्रेट आपको वहाँ पर नजर आए। अब नेक्स्ट हम यहाँ देख पाएंगे, फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन, इतनी सारी ऑब्जर्वेशन देखने के बाद मेंडल ने क्या किया? आगे बढ़े और उन्होंने रूल बनाया, लॉ ऑफ डोमिनेंट का तो समझ में आ गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बना दिया। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? द एवरी इंडिविजुअल पोसेसेस ए पेयर ऑफ एलील्स फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट, मतलब किसी भी पर्टिकुलर करेक्टर के लिए हर इंडिविजुअल के पास क्या है? पेयर ऑफ एलील्स प्रेजेंट होते हैं। जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन गैमेट क्या करता है बच्चों? रिसीव करता है केवल एक ट्रेट फ्रॉम द एलील्स, मतलब गैमेट की फॉर्मेशन के दौरान जो गैमेट हैं वो केवल एक करैक्टर ही क्या करता है? रिसीव करता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसी आधार पर हम बता सकते हैं जो पर्टिकुलर ट्रेट है वो क्या डोमिनेंट भी हो सकता है या फिर रिसेसिव भी हो सकता है अपनी पर्टिकुलर जनरेशन के अंदर। तो बच्चों ये यहाँ तक आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। कल मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपको बताऊँगा। जाते जाते आपसे इतना ही पूछना चाहूँगा, आपको मुझे मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है, एक क्वेश्चन देख कर जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि हु डिस्कवर्ड जीन, एंड दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन हेरिडिटी, थर्ड क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर डालने हैं अगर आपको क्वेश्चन पता है तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को शुरू से देख लेकर लास्ट तक देखा, और जाते हुए इतना ही कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बढ़े। आपसे बच्चों फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।